हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। मेरे सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए फिर से एक DIY प्लांटर का वीडियो। तो इस टाइप के प्लास्टिक की बॉटल डब्बे तो हम सभी के घर में बहुत होते हैं और अक्सर हम उनका डिस्कार्ड करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, मैं उनको रिसाइकल कर लेती हूँ। तो आज फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 6 ऐसे प्लांटर जो कि हम बना रहे हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, यानी कि वेस्ट प्लास्टिक की बॉटल डब्बे जो होते हैं उनसे, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले इन जितनी भी ये बॉटल्स हैं इनको पहले क्लीन कर लेना है बिल्कुल। अगर इसके अंदर कुछ है तो मैंने वॉश करके उसको साफ कर लिया है, और इनके ऊपर कुछ मैंने ड्रॉ किए हैं शेप्स, तो इन शेप्स को कट करना है मुझे। तो ये मैंने एक बेकार सा चाकू था, इसको गैस के ऊपर गर्म करके और इस तरीके से मैं कट करती हूँ। आप में से किसी फ्रेंड ने पूछा था कि आप कट कैसे करते हैं, तो मैं बहुत बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर से दिखा रही हूँ कि किसी भी चाकू को, पुराने चाकू को, कुछ भी अगर आपके पास ऐसा है तो उसको गर्म करिए अपने गैस के ऊपर, और उसके बाद में आप इस तरीके से कट कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बिना मेहनत के आपका ये कट हो जाता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर कोई फिनिशिंग रह जाती है तो आप इसमें सीजर की हेल्प से कट कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक होता है तो आसानी से कट हो जाता है। तो चलिए, कट करने के बाद मैं पहला DIY प्लांटर बना रही हूँ। जो मैंने एक प्लास्टिक के डब्बे को कट किया था, सिर्फ हाफ कट किया था, तो उसका शेप कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अभी मैंने लिया है M-Seal। M-Seal आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर भी मिल जाएगा, जिन प्रोडक्ट्स को मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर आपको ना मिले आपके स्टेशनरी शॉप पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी के लिंक दिए हैं इस बार, तो आप वहाँ से जा कर के परचेज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, M-Seal दो तरह की आती है, एक वाइट कलर में और एक इसमें, मतलब कि दो चीज़ें, दो वो आती हैं इसके अंदर, M-Seal के अंदर। तो हमने दोनों को मिक्स करके और इसके ऊपर एक हैंडल सा बना रहे हैं हम। तो इस तरीके से मैंने एक हैंडल बना दिया और इसको इस तरीके से करके किसी डब्बे के अंदर लगा दूंगी, जिससे कि ये सूख जाए। और लगभग एक घंटे के अंदर ये सूख गया, बिल्कुल पत्थर जैसा हो जाता है। और अब मैं कर रही हूँ इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट रेड कलर का। और अगर एक्रेलिक पेंट जैसे आपके निकल जाते हैं पानी डालने पर, तो उसमें कलर करने से पहले थोड़ा सा नॉर्मल ग्लू मिला लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं ग्लू, वाइट ग्लू जो होता है उसको मिला लीजिए, तो आपका पेंट निकलेगा नहीं और आराम से हो जाएगा। तो पहले अपने कंटेनर के ऊपर मैंने किया रेड कलर और उसके साइड में किया है ब्लैक कलर हैंडल के ऊपर। अच्छा, जो दूसरा मैंने बनाया था, कट किया था, उसके ऊपर भी ब्लैक कलर किया है। और ये बॉटल्स को जो मैंने बीच में से कट किया था, दो बॉटल्स को, उस पर भी मैं ब्लैक कलर का एक्रेलिक कलर ही कर रही हूँ। अच्छा, कोई फ्रेंड पूछ रहे थे कि आप पेपर क्यों नहीं बिछाती, तो अगर आपको याद होगा जिन्होंने फैबिकॉल को अपनी फिंगर्स पे लगाने के बाद में उसको सुखाया है और उसको छीला है, बाद में साफ़ किया है, वो जो फीलिंग आती है वही मुझे बाद में पेंट को फ्लोर से साफ़ करने में आती है। तो ये सुनने में थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, बट मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पेपर नहीं बिछाती हूँ। तो चलिए, मेरे तीन डब्बे मेरे पेंट हो गए हैं, चौथा वाला जो है वो मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ। और ये पैरेट ग्रीन कलर मैंने लिया है, तो इस तरीके से मैंने सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा वाइट ग्लू मिक्स किया है। अच्छा, ये येलो वाला जो पेंट है ये है चॉक पेंट, तो चॉक पेंट कर रही हूँ इसके ऊपर। इसमें थोड़ी मैट फिनिशिंग चाहिए थी मुझे, इसलिए चॉक पेंट किया है। तो चॉक पेंट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो भी फ्रेंड चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो पहले वाले कंटेनर पर मैंने दोनों तरफ लिखा है चाय, और चाय क्यों लिखा है ये तो अभी आपको बाद में बताऊँगी। तो इस तरीके से मेरा पहला कंटेनर जो है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही जल्दी बन गया। कुछ नहीं किया, बस उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट किया, हैंडल लगाया और चाय लिख दिया। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा फ्लोरल डिज़ाइन वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मुझे ये सिंपल सा ही चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें सिंपल सा रखा है। अच्छा, जो दूसरा प्लांटर है वो मैं बना रही हूँ कैक्टस का प्लांटर। तो इस तरीके से ग्रीन पेंट करने के बाद में येलो एक्रेलिक कलर ले, और उसके बाद में एक्रेलिक कलर से इसका बॉर्डर में येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप बॉर्डर बना रहे हैं वो ज़्यादा छोटा बड़ा ना हो, ऊंचा नीचा ना हो,
एक जैसा ही उसकी थिकनेस हो। और इस तरीके से प्लांटर बनाएंगे, अगर आप ग्लू मिला लेते हैं तो आपके प्लांटर पानी डालने पर भी नहीं निकलेंगे और काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। तो देखिए, येलो कलर करने के बाद में मैंने सब जगह इसके ऊपर वाइट डॉट लगा दिए हैं जगह जगह, और अब लिया है मैंने डार्क ग्रीन कलर और इसमें थोड़ी सी शेडिंग दे रही हूँ। साइड से बॉर्डर बनाया है और बीच में दो लाइन मैंने इस तरीके से खींच दी है। अब लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर मैं आँखें बनाई हैं और मुंह बनाया है, और इसमें यहाँ एक मैंने बनाई है फीमेल और एक मेल बनाया है। तो मेल के मैंने मुस्टैक्स बनाई हैं, यानी मुच्छे बनाई हैं छोटी छोटी, और फीमेल जो है उसकी आईलैशेस थोड़ी सी हाईलाइट करती हैं। अब रेड कलर की हेल्प से मैं दोनों के चीक्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगी और वाइट कलर से आईज़ के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है जिससे कि वो सुंदर लग रहा है। अब ब्लैक वाला आ गया मेरा प्लांटर, उसमें मैंने एक जैसे बिल्ली तो आपने बहुत बार देखी होगी, आज मैं बना रही हूँ बिल्ला। तो ये देखिए, इसको बनाया मैंने ब्लैक कलर से, ब्लैक और वाइट कलर से मैंने इसके ऊपर आईब्रोज बनाई हैं, नोज़ बनाई हैं और ईयर्स बनाए हैं। रेड कलर से इसकी मुस्टैक्स को हाईलाइट किया है और कंप्लीट हो गया मेरा बिल्ला। और अब येलो वाला जो प्लांटर है, जो जिस पर मैंने किया था ये चॉक पेंट, इसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, अगर आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तब तो आप इस पर डायरेक्ट पेंट से बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी सेफ्टी के पर्पज़ से अगर हम देखें कि पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर पेंट करेंगे तो पेंसिल का यूज़ करें। तो मैंने पेंसिल से यहाँ पर एक आउल बना रही हूँ, और ये इतना अच्छा होता है चॉक पेंट कि मैंने एक जगह बनाया था आउल और वो मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो मैंने इरेज़र से इरेज़ किया तो वो बिल्कुल इरेज हो गया। और फिर मैंने दोबारा से यहाँ पर बनाया है दूसरा आउल, इसमें कर रही हूँ मैं पेंट, और पेंट करने के साथ साथ हाईलाइट भी कर रही हूँ ब्लैक कलर से। और बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही इजी वाला मैंने आउल बनाया है, और बाकी के बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक कलर से डॉट लगा दिए हैं, पोल्का डॉट। तो येलो पर ब्लैक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो ब्लैक प्लांटर मैंने बॉटल्स जो कट की थी उसमें मैंने चारों तरफ से ग्रीन कलर का बॉर्डर बनाया है, बीच बीच में येलो और रेड कलर से मैंने फ्लावर्स बनाए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी वाले मैंने बनाए हैं, ये कोई भी आसानी से बना सकता है। इसके साइड में भी मैंने बनाया है। अच्छा, जो छठा प्लांटर है उसके ऊपर मैंने पैरट ग्रीन कलर किया था, और अब रेड कलर का एक्रेलिक कलर लेकर के, आप चाहें तो फैब्रिक कलर भी ले सकते हैं, एक्रेलिक भी ले सकते हैं, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से ब्रश की हेल्प से थोड़े से छींटे दिए, और जैसे हम बचपन में करते थे ना ये ब्रश वाली पेंटिंग, वही किया है मैंने। और इसके बाद में मैंने इसके ऊपर एक साइड में लिखा अन्वेषा क्रिएटिविटी और दूसरे साइड में मैंने लिखा था ब्लूम ग्रो, और कुछ अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। और उसके बाद में मैंने इसके जो ब्लैक वाली बॉटल्स थी उनको मैंने किया हैंगिंग प्लांटर बनाया है उनको, तो उनको भी मैंने अभी जो है डोरी लगा करके बना दूंगी, वो आपको आगे दिखाऊंगी। फिलहाल ये वाला प्लांटर आप देख लीजिए, अगर आपने कभी नहीं किया है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो इस टेक्निक को देख लें, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, तो आसानी से बन जाता है। और ग्रीन के ऊपर रेड कलर का जो आप देख रहे हैं ना कॉम्बिनेशन, ये काफ़ी अच्छा लगा है। और बस थोड़ा सा स्प्रे जो करना है हमें, ये थोड़ा दूर से करना है जिससे कि इसके ऊपर हल्की हल्की छींटे दिखेंगी तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा। चलिए, अब ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब ब्लैक वाली जो बॉटल्स थी उसमें मैंने होल कर लिए। अच्छा हाँ, जितने भी प्लांटर्स थे सभी में होल ज़रूर करना है किसी भी गर्म बारबेक्यू स्क्यूअर की हेल्प से। तो रात को तो काफ़ी रात हो गई थी, लगभग 11:30 बज गए थे, 11:30, तो मैंने रात को ही प्लांट लगाए, लेकिन सुबह मैं आपके साथ में शूट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ब्लूम ग्रो हैप्पी मैंने लिखा था इस ग्रीन वाले प्लांटर के ऊपर, इसमें लगाया है मैंने क्रोटन। और ये वाइट वाला जो प्लांटर देख रहे हैं आपका, ये आप जो देख रहे हैं ये मेरा पिछली बार मैंने आपके साथ में शेयर किए थे कुछ प्लांटर, उसमें से है। ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वॉन्डरिंग ज्यू आप देख सकते हैं अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और अब दिखाती हूँ आपको, ये मेरा आउल वाला प्लांटर है जिसमें मैंने पर्पल हार्ट और मनी प्लांट दोनों को मिक्स करके लगाया है। ये बिल्ला जो है मेरा, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाई है,
कैक्टस में मैंने लगाया है वॉन्डरिंग ज्यू की कटिंग, और ये जो चाय वाला है इसके नीचे प्लेट लगाई है, तो ये टी कप बन गया है हमारा। और इस टी कप में मैंने रखी है ये टर्टल वाइन। इसके बाद में ये मेरा पुराना वाला प्लांटर आ गया जिसमें वॉन्डरिंग ज्यू काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये ब्लूम ग्रो हैप्पी जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया। अच्छा, ये कपड़े वाला प्लांटर जो है ये भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, और इसके अंदर जो रखा है ब्लैक वाला प्लांटर वो भी मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अच्छा, अब आ गए ये बॉटल वाले प्लांटर, ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। इसमें मैंने वॉन्डरिंग ज्यू और ये मनी प्लांट साथ ही टर्टल वाइन तीनों की कटिंग लगाई है, और जो भी प्लांट हैं, और सॉरी इसके अंदर मैंने लगाया है कोलियस की कटिंग, कोलियस और मनी प्लांट को मिक्स करके लगाया था मैंने। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं मेरे सभी प्लांटर। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।